हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, तो अभी मैं घर से निकला हूँ और जा रहा हूँ सोलन की ओर। बाकी देखते हैं कैसा रहता है ये जर्नी। तो ये है अकबर ब्रिज जो न्यू बना था, और जो पार आपको गांव दिख रहा है ना, ये है रिब्बा गांव, देख सकते हो। आजकल सर्दी का मौसम है तो बर्फ पड़ी है गांव में। तो और मैं अभी जा रहा हूँ पापा जी के पास, पर ये चेक पोस्ट के पास, वहाँ पर उनका ड्यूटी है। तो फिलहाल वहाँ जाते हैं, फिर आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे रहता है। बाकी आप बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बोलता हूँ आप सभी को, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते आप, और वीडियो ज़रूर देखिए। तो फिलहाल मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आगे की जर्नी आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे रहता है। A few moments later. तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं रिकोंगपियो और इधर बैठे हैं स्नो व्यू में। तो दोस्तों, ये है रिकोंगपियो बाजार, देख सकते हो, काफी अच्छा नजारा है यहाँ से। और देखो ऊपर पड़ी है बर्फ पहाड़ों में, सर्दी का मौसम है तो काफी सुंदर नजारा है। और वहाँ है कैलाश, यहाँ से थोड़ा दिखता नहीं है, बाकी हम नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है। ये है मेन बाज़ार है, ये रिकोंगपियो का चौक। तो दोस्तों, यहाँ बैठकर हम बोर हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने नीचे, और आगे का देखते हैं क्या क्या रहता है हमारा जर्नी। तो आज हम पियो में ठहरने वाले हैं, उसके बाद कल सुबह 5 बजे हम चल पड़ेंगे सोलन की ओर। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंचे हैं बस स्टैंड में। बस का पता करने सुबह कौन सी बस जाएगी, वैसे तो किंग फेड जाएगी, बट टाइम का कुछ पता नहीं। हमने आगे पूछा, वो बता रहे कि किंग फेड बस का इनको पता नहीं है इन्फॉर्मेशन, बाकी हम सुबह ही पता लग जाएगा, क्योंकि सुबह तो जाती है किंग फेड, ये तो पता है 5-1 बजे जाती है आई थिंक। तो देख लेते हैं सुबह क्या क्या होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं रूम की ओर, थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलते रूम की ओर। आप देख रहे हो, ये है बस स्टैंड का एंट्री गेट, और ये है रिकोंगपियो बस स्टैंड, साथ में ही शिवलिंग व्यू, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखते हैं कैलाश का। बाकी हम आगे को थोड़ा घूमते हैं फिर चल पड़ते हैं रूम की ओर। A few moments later. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं रिकोंगपियो बस स्टैंड में, अभी लगी है बस, आप पीछे देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हाथ वगैरह कांप रहे हैं, फोन भी हिल रहा, आप देख सकते हो कितना ठंड है। हाय हाय, अभी ये लगी हमारी बस रिकोंगपियो रामपुर सोलन नोनी, इस पर जाएंगे, शुक्र ठीक टाइम पे पहुंच गए, बस स्टार्ट हो रखी थी। बाकी आप देख सकते हो रिकोंगपियो की नाइट का व्यू, काफ़ी ऑसम है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों, ये चल पड़ी हमारी बस, अभी मोड़ रही है। चलें, चले मोड़ने दो इसको।
सुबह सुबह ठंड 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 के मजे लो भाई। ये हमारे उस्ताद जी, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई है। ये हम निकल पड़े हैं रिकमपियो बस स्टैंड से। दोस्तों पूरी बस खाली है, सुबह सुबह हम दो ही है। A few moments later. दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रामपुर, और बहुत ज़्यादा ही ठंड है यहाँ तो, क्या बताएं। अभी हम पी रहे हैं चाय, गरम गरम चाय। चाय पीना है? चाय पीना है? गरम गरम चाय पीजिए। ये देख सकते हो आप नज़ारा सोलन का। अभी हम दोनों यहाँ बैठकर बस का वेट कर रहे हैं, और दो बंदे भी मिले जो हमारे साथ ही वहीं आने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नौनी, और हमारे लिए ठहरने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस का प्रबंध किया है। और अभी हम हैं 5-6 लोग हैं अलग अलग गांव से किन्नौर के, और कल सुबह आने वाले और लोग भी। तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे यहाँ पर रूम वगैरह है।
Gracias.